नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। आज हम बात करेंगे दरौंदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। दरौंदा विधानसभा का परिसीमन वर्ष 2005 में हुआ था। दरौंदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सिवान जिले में आता है। आइए जानते हैं दरौंदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। वर्ष 2010 में इस क्षेत्र में चुनाव हुआ। इस साल यहाँ से विधायक जगमातो देवी बनी थी। वे जदयू के टिकट से थी और उनके विपक्ष उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह थे। वे राजद पार्टी से थे। दोनों उम्मीदवारों के वोटों की बात की जाए तो विनोद कुमार सिंह ने 17,980 वोट प्राप्त किया था। जगमातो देवी 49,115 वोट प्राप्त किया था और 31,135 वोट से विजेता हुई थी। जगमातो देवी बड़े अंतर से क्षेत्र में जीत दर्ज की थी, लेकिन एक वर्ष बाद ही उनका निधन हो गया और यह सीट खाली हो गया। सीट के खाली हो जाने के बाद वर्ष 2011 में उपचुनाव कराए गए। इस उपचुनाव में उनकी ही बहू कविता सिंह विधायक हुई। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस वर्ष भी जदयू का ही दबदबा रहा। जदयू के टिकट से कविता सिंह विधायक हुई थी। उन्होंने इस चुनाव में 66,255 वोट प्राप्त किया था। वहीं उनके विपक्ष उम्मीदवार जितेंद्र स्वामी ने 53,033 वोट प्राप्त किया था। वे भाजपा के टिकट से इस चुनाव में खड़े हुए थे। वर्ष 2019 में यहां पुनः विधानसभा उपचुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र की विधायक कविता सिंह ने जीत हासिल किया था। इसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। सीट के खाली हो जाने के बाद जदयू ने कविता सिंह के पति अजय सिंह को टिकट दिया था, लेकिन अजय सिंह ने भारी मतों से शिकस्त झेली थी। वे तकरीबन 28,000 वोट से हार गए थे। इस उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह निर्दलीय विधायक चुने गए थे। वे 28,000 वोटों से जीत दर्ज किए थे। व्यासदेव सिंह भाजपा के सदस्य थे, लेकिन भाजपा से बगावत कर वे पार्टी से अलग हो गए और क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से ही चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की विकास कार्यों के बारे में। क्षेत्र के विकास कार्यों की बात की जाए तो कुछ आवश्यक सुधार कार्यक्रम हुए, लेकिन जनता उससे संतुष्ट नहीं थी। वह एक ऐसा नेता चाह रही थी जो वास्तव में उसकी परेशानियों को समझे और उसका निदान निकाले। नंदामुड़ा गांव में सड़क का निर्माण करवाया गया था। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो यहां की जनता अपने विधायक से संतुष्ट नहीं रही। प्रसिद्ध महेंद्रनाथ मंदिर भी अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहा। क्षेत्र में कुछ खास विकास नहीं हुआ, न ही शिक्षा की स्थिति बेहतर हो सकी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस साल यहाँ NDA की तरफ से भाजपा ने कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन के तरफ से राजद प्रत्याशी अमरनाथ यादव मैदान में है। कुल मिलाकर यह मुकाबला इन्हीं दो नेताओं के बीच है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा प्रत्याशी यहाँ एक बार फिर जीत हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर राजद कुछ उलटफेर करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।